शादी के योग्य हो जाती है। हरनंदी की सास न्यू कहने लगी कि हरनंदी जा अपने पिहर में जा और भात की भेली रख कर आ। न्यू कहने लगी कि सासू माँ तुम तो अच्छी तरह जानते हो मेरा कोई भाई नहीं है और जो मेरा बाबूल है वो आज सेठ नहीं रहा, एक मोटा बन चुका है, उसका कोई पता नहीं कि कहाँ रहता है कहाँ नहीं। फिर भी कस कस के ताने मारने लगी हरनंदी की सास। तो हरनंदी न्यू कहने लगी कि सासू ताने मारे मत ना, मेरे नाम आ जाया वीर, भात मेरे कौन भरेगा, मेरा बाबुल हुआ फकीर। नाई के हाथों चिट्ठी लिखकर हरनंदी के ससुर ने नरसी सेठ के पास भिजवा दी और नरसी सेठ ने जब उस चिट्ठी को पढ़ा तो रोने लगे और न्यू कहने लगे कि समय की बात है, कभी वो भी समय था कि जब मैंने अपने बेटी हरनंदी की शादी करी थी तो रुक्का पड़ गया था कि भाई नरसी सेठ ने बहुत धन दिया है, लेकिन आज ये समय है कि आज मेरे पास एक फूटी कोड़ी नहीं है और मेरे संधि ने इतना सारा सामान लिखवाया है इस चिट्ठी के अंदर। किस तरह से चिट्ठी को पढ़ते हैं और क्या होता है, मनसा मलने तोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, जिगर दुखाना चाहा। चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की, चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की, कपड़े लागे काया मनसा मलने तोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा। हमारे अनूप शहर क्षेत्र की आनवान शान आदरणीय बड़े भाई पंडित देवेंद्र भारद्वाज जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। हमारे बीच में हमारे आदरणीय बड़े भाई पंडित देवेंद्र भारद्वाज जी पहुंचे जोरदार तालियों के साथ। उन्हीं के साथ हमारे आदरणीय बड़े भाई परवेश शर्मा जी ग्राम पंचायत सिकोई से प्रधान है वो भी पहुंचे और उनके समस्त साथी पहुंचे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय योगिंदर प्रधान जी मौतपुर दीपा चौधरी की श्रागणी पर खुश होकर 101 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मानित करते हैं। मैं योगिंदर प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आइए सुनिए क्यों बलवान ये समय होता है। पहली लाइनों में क्या बनाया, पाया में भरते थे कई कई नौकर
जागा